जय श्री राम के नारों से गूंजता हुआ दिल्ली जनकपुरी का रामलीला मैदान है ये। और यहाँ देखिए लोगों में इतना उत्साह है मानो रावण का पुतला फूंकते ही बस धरती से अभी सारे पाप नष्ट होने वाले हैं। सबसे पहले तो मेरे दर्शकों को हमारी तरफ से विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली विजयदशमी का मेला। सामने ये रामलीला मैदान है। फ्रेंड्स ये देखिए अंदर का सीन, ये भूत बंगला बना हुआ है, ये इसका मेन गेट बनाया हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़ी रामलीला होती है। फ्रेंड्स अब थोड़ी ही देर में रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले फूंक जाएंगे। हम सब ने यहाँ पर झूला झूला, अच्छा अच्छा खाना खाया, उसके बाद पुतला फूंकने के बाद भाई सब अपने घर चले गए। बन गई विजयदशमी, ऐसे ही मनाते हैं ना हम सब विजयदशमी। रावण ने एक अहंकार किया था, उसके अंदर तो कितने गुण थे लेकिन उसके अहंकार की सजा हम आज तक भी उसको बहुत हर्षोल्लास के साथ में देते हैं। लेकिन हमारे खुद के अंदर कितनी बुराइयाँ हैं कभी देखी है नहीं, क्योंकि अपनी बुराई हमें किसी को नज़र नहीं आती। लेकिन हाँ, अगर किसी में दोष निकालना हो वो भी हर किसी में नहीं, क्योंकि जी अपनी पार्टी के तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जो आपके स्वार्थ को पूरा करने में बाधा बन रहा हो, चाहे वो पहले कितना ही अच्छा क्यों ना रहा हो, कुछ समय पहले आप खुद अपने मुँह से उसकी कितनी ही तारीफें क्यों ना करते हो, अब जी क्या करें, अपना व्यक्तित्व भी तो निखारना है ना। दो ही तरीके हैं, एक तो मेहनत करो जो कि बस की बात होती नहीं, दूसरे अच्छे खासे इंसान के अंदर 100 बुराइयाँ निकाल दो। अब भाई ईमानदारी से कहाँ किसी का पेट भरा है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, शादी धूमधाम से करनी है, यार बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए, थोड़ी बहुत बेईमानी कर ली तो क्या हो गया।
इन सब के बीच हम भूल जाते हैं कि छल कपट करके, बेईमानी करके हम अपने प्रियजनों को सिर्फ कुछ दिन का ऐशो आराम और अपनी ये गंदी आदतें दे सकते हैं, उसके आगे और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, मेले वाले रावण का तो दहन हो गया, अब देखते हैं अपने अंदर हम छुपे हुए अवगुणों का दहन करते हैं या फिर उन्हें संजो कर रखेंगे अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत में देने के लिए। इसी के साथ ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और राम राम जी।